हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल हम लोग आज पढ़ेंगे सेल इंजरी तो हम लोग सबसे पहले जो देख चुके हैं सेल इंजरी में क्या होता है अगर माइल्ड स्ट्रेस आता है तो क्या होता है अडोप्टेस शो करती हैं बट अगर मॉडरेट स्ट्रेस आता है तो क्या सेल इंजर्ड होती है बट ये सारी कंडीशन कैसी होती हैं अडोप्टेसन और जो मॉडरेट स्ट्रेस में कंडीशन होती हैं उसमें सेल क्या करती है नॉर्मल में रिवर्स कर सकती है तो ये सारी रिवर्सेबल के अंदर आती हैं तो हम लोग देखते हैं इटियोलॉजी इटियोलॉजी में क्या होता है कॉज क्या क्या होगा सेल इंजरी का ठीक है इटियोलॉजी देखेंगे इटियोलॉजी में क्या जो भी रीजन होंगे जो रीज़न कॉज करेंगे सेल इंजरी यानी कि जो चीज़ें सेल इंजरी कॉज करेंगी उनको देखेंगे हम इस इटियोलॉजी में ठीक है तो हाइपोक्सिया सबसे कॉमन होता है हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की डिफिशंसी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ठीक है इस चीमिया में क्या होता है टोटली ब्लड सप्लाई कम हो जाती है जब ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट बहुत सारी चीज़ें नहीं जाएंगी उस टिश्यू को उस सेल को नहीं मिल पाएंगी तो क्या खास करेगा वो सेल इंजरी फिजिकल ट्रामा केमिकल ट्रामा मतलब कि कोई एसिड या एल्किलाई कोई भी केमिकल उस सेल को उस टिश्यू को इंजर्ड करेगा इन्फेक्शन हो सकता है कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन हो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो फंगल इन्फेक्शन हो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है ऑटोम्यून डिसीज़ हो सकती है इलेक्ट्रिकल इंजरी ठीक है किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से कोई इंजरी हुई है तो इलेक्ट्रिकल इंजरी रेडिएशन के थ्रू भी सेल इंजर्ड होती हैं जैसे कि आइनाइजिंग और नॉन आइनाइजिंग रेडिएशन होती है आइनाइजिंग में क्या आता है कीमोथेरेपी एक्सरे और एम ये आइनाइजिंग में आती हैं और नॉन आइनाइजिंग में क्या आता है ये जो मोबाइल टावर की रेज़ होती हैं ये नॉन आइनाइजिंग में आती हैं तो कंपेरेटिवली आइनाइजिंग के नॉन आइनाइजिंग जो होती हैं वो लेस हार्मफुल होती हैं कम्पेरेटिवली ठीक है तो ये सब क्या है ये है मतलब ये सारी चीज़ें क्या कॉज करेंगी इंजरी कॉज करेंगी सेल में ठीक है डैमेज होगा जिसकी वजह से सेल में तो हम लोग देखते हैं इसके आगे है। यहाँ पर हम देखेंगे नॉर्मल सेल में क्या क्या हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन हो गई माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम अटैच होंगे गोल्जी बॉडी राइबोसोम फ्रीली भी प्रेजेंट होंगे और लाइसोसोम प्रेजेंट होंगे ये सारे स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे तो इसलिए ये देखना जनरली ये सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं ठीक तो अब हमें इनमें कुछ चेंजेस देखेंगे जिसकी वजह सेल इंजरी होगी तो कुछ ना कुछ डैमेज होगा जो हमें किस में दिखाई देगा इन सेल ऑर्गेनल्स में दिखाई देगा ठीक है तो सेल इंजर्ड हो रही है ड्यू टू हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया क्या होता है ऑक्सीजन की डिफिशेंसी हो जाना उसके बाद फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्डिया क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा क्यों क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किसे है माइटोकॉन्डिया को क्यों है ए प्रोडक्शन के लिए ठीक है तो यहाँ पे हाइपोक्सिया होने की वजह से माइटोकॉन्डिया जो होगा वो एटीपी नहीं बना पाएगा एटीपी हमारे क्या होती है एनर्जी करेंसी होती है ठीक है तो अगर एटीपी प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगा यानी कि उसे एनर्जी नहीं मिल पाएगी उस सेल को तो उस सेल के और जो फंक्शन होंगे वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा सेल डैमेज हो जाएगी ठीक है हम लोग देखते हैं रेस्पायरेशन को सेल्युलर रेस्पायरेशन दो प्रकार का होगा एक तो होता है एरोबिक और एक होता है एन एरोबिक में क्या होता है एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पाइरेशन होगा क्या बनेगा इससे रेस्पायरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एनर्जी बनती है यानी कि जो हमारा ए बनता है वो रेस्पाइरेशन की प्रोसेस में ही बनता है ठीक है तो ग्लूकोज से जब ए बनेगा यानी कि एनर्जी और वाटर और सीओ बनेगा ये यूज़ ऑफ ऑक्सीजन की मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनेगा तब ये क्या कहलाएगा और एरोबिक जनरली सबको पता होता है और एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो तब यहाँ क्या बनता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है एटीपी के साथ साथ ठीक है ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में ये भी इम्पॉर्टेंट है देखेंगे अभी हम लोग लैक्टिक एसिड क्यों इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पर दो कंडीशन होंगी एक एरोबिक होगी और एक एनारोबिक एरोबिक में क्या होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो एटीपी फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा होता है ठीक है और यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन कम होता है तो हमें ऑक्सीजन का यूज़ क्यों चाहिए ए प्रोडक्शन के लिए चाहिए लेकिन जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी हाइपॉक्सिया होगा तब क्या होगा ए का प्रोडक्शन कम हो जाएगा जिसकी वजह से सेल के और अदर फंक्शन जो होंगे वो डिस्टर्ब होंगे और सेल डैमेज हो जाएगी ठीक है तो ऑक्सीजन एबसेंट होगी तो ए प्रोडक्शन डिक्रीज ए प्रोडक्शन डिक्रीज़ तो सेलुलर एक्टिविटी नहीं होंगी जिसकी वजह से क्या होगा सेल डैमेज हो जाएगी हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन में पंप और चैनल होते हैं तो जो पंप होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करते हैं और जो चैनल होते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट शो करते हैं एक्टिव मतलब उन्हें एनर्जी चाहिए तभी वो कोई काम कर पाएंगे बिना एनर्जी के वो कोई काम नहीं कर पाएंगे तो ये अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हैं इसलिए इन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और जो चैनल होते हैं वो अकॉर्डिंग टू कंसनट्रेशन ग्रेडियंट चलते हैं इसलिए उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो उसे क्या कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट तो ये विदाउट यूज़ ऑफ ए चल जाएंगे लेकिन ये बिना ए के यानी कि बिना एनर्जी के नहीं चल जाएंगे नहीं चल पाएंगे तो ये पंप कैसे हो जाएंगे पंप हमारे ये फंक्शन करना बंद कर देंगे ठीक है इनका फंक्शन जो होगा वो अफेक्टेड होगा ए टी पी की प्रेजेंस और एबसेंस से तो इसीलिए ये एक्टिव याद रखिएगा पंप और चैनल दोनों कहाँ प्रेजेंट होंगे सेल मेम्ब्रेन में लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करेंगे और चैनल पैसिव ट्रांसपोर्ट शो करेंगे ठीक है नॉर्मली जो सेल होती है उसके अंदर जो सोडियम का कंसेंट्रेशन होता है वो कम होता है और यहाँ से क्या होता है सोडियम बाहर जाता है यानी कि तीन सोडियम जो होंगे वो बाहर जाएंगे और दो पोटेशियम बाहर से अंदर आएंगे यहाँ पर बाहर कम है पोटेशियम का और अंदर सोडियम का कम है लेकिन फिर भी ये कम से हम ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है हमें एनर्जी देनी पड़ेगी जो किस में आएगा एक्टिव में आएगा तो ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल होता है ठीक है तो सबसे ज़्यादा जो एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है वो किस में होती है इन पंप को चलाने के लिए ठीक है मैक्सिमम ए टीपी यूज इन ऑपरेटिंग सोडियम पोटेशियम पम्प और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वाइटल रोल प्ले करता है ये लिविंग सेल में ठीक है वन सेल इंजर्ड तो ए टीपी प्रोडक्शन कम हो जाएगा ए टीपी प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो सोडियम पोटेशियम पंप प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर जो सेल के अंदर है वो सोडियम का कंसनट्रेशन क्या होता है कम होता है उसे मेंटेन करने के लिए हम सोडियम को बाहर भेजते रहते हैं लेकिन जब एटीपी कम हो जाएगा तो पंप एक्टिवेट नहीं हो पाएगा पंप प्रॉपर काम नहीं करेगा तो सोडियम क्या होगा सेल के अंदर इंक्रीज होने लगेगा और सोडियम कैसा होता है वाटर ऑब्जॉर्बिंग नेचर का होता है तो सोडियम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा वाटर बढ़ेगा जिसकी वजह से क्या होगा सेल स्वेल कर जाएगी यानी कि स्वेलिंग आ जाएगी जो हमें दिखाई देगी और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है अगर ऑक्सीजन एबसेंट होगी तब क्या होगा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा ठीक है जो क्या कॉज करेगा एसिडोसिस यानी कि जो एसिड बनेगा तो एसिड बनेगा तो पीएच कैसा हो जाएगा पीएच डिक्रीज हो जाएगा और पीएच जब डिक्रीज हो जाएगा तो सेल की अदर एक्टिविटी क्या हो जाएंगी एफेक्टेड हो जाएंगी और वो उस क्या कॉज करेगा एसिडोसिस एसिडोसिस मतलब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है एसिड इंक्रीज हो रहा है पीएच डिक्रीज हो रहा है इसी को क्या कहते हैं हम लोग एसिडोसिस कहते हैं ठीक है यहाँ पर देखेंगे क्या एक और पंप प्रेजेंट होगा जिसे क्या कहेंगे कैल्शियम पंप जो कहाँ प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन में तो हमें सेल के अंदर कैल्शियम के कंसेंट्रेशन को भी मेंटेन करना होता है ठीक है तो ये किस पे डिपेंड करेगा पंप है मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा यानी कि एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ भी सेम वही कंडीशन होगी जब सेल इंजर्ड होगी तब एटीपी प्रोडक्शन डिक्रीज होगा एटीपी प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो क्या होगा पंप एक्टिवेट नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से पंप अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा कैल्शियम पम्प स्लो डाउन होगा तो कैल्शियम का जो कंसेंट्रेशन होगा वो इंक्रीज कर जाएगा किस में सेल के अंदर कैल्शियम जब इंक्रीज़ करेगा तो कैल्शियम बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करने की पावर रखता है तो कैल्शियम क्या कर देगा एक्टिवेट कर देगा एक्टिवेट कर देगा बहुत सारे एंजाइम्स को जैसे कि फॉस्फोलाइपेज आइपीज एंडो न्यूक्लियस और प्रोटीज तो फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा फॉस्फोलिपिड की क्या बनी है सेल मेम्ब्रेन तो फॉस्फोल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने लगेगा ठीक है तो ये क्या करेगा डैमेज करेंगे ये सारे एंजाइम इंडायरेक्टली एंडो न्यूक्लियस किसे डीएनए को डैमेज करेगा और प्रोटीस जो होगा वो प्रोटीन को ब्रेक करने लगेगा तो ये सारे क्या करेंगे सेल को डैमेज करेंगे तो अगर ए टी पी यहाँ भी कम है कैल्शियम पंप भी अफेक्टेड हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है सेल का डैमेज हो रहा है यहाँ पे सेल क्या हो रही है डैमेज हो रही है ठीक है तो ये दोनों इसीलिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया अभी हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म को लाइसोसोमल एंजाइम अगर रिलीज़ हो जाएंगे यानी कि सेल डैमेज होगी तो सेल के अंदर के ऑर्गन्स भी जो सेल ऑर्गनल्स होंगे वो भी डैमेज होंगे तो अगर लाइसोसोमल एंजाइम जो होंगे वो रिलीज़ हो जाएंगे लाइसोसोम को क्या कहते हैं सुसाइड बैग मतलब कि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं पूरे सेल के ऑर्गनल्स को और सेल को डाइजेस्ट करने की पावर रखते हैं तो लाइसोसोमल एंजाइम जब रिलीज़ होंगे तो क्या होगा सेल के ऑर्गनल्स और सेल डाइजेस्ट होने लगेंगे और सेल डिस्ट्रॉय यानी कि सेल ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी सबसे पहले क्या हुआ हाइपॉक्जिया जनरली इस और हाइपॉक्जिया ही होते हैं सेल इंजरी का जो मेन कॉज होते हैं ठीक है थीके? तो क्या हो रहा है उसकी वजह से ए डिक्रीज हो रहा है माइटोकॉन्डिया में यानी कि ए प्रोडक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी और माइटोकॉन्डिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही एटीपी फॉर्म होते हैं ठीक है थीके? तो एटीपी प्रोडक्शन डिक्रीज यानी कि एटीपी की अमाउंट जो हो होगी वो कम हो जाएगी एटीपी क्या -क्या, क्या क्या कंट्रोल कर रहे हैं सोडियम पोटेशियम पम्प को कैल्शियम पंप को अगर सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो गया तो क्या होगा सोडियम इंक्रीज़ हो जाएगा सेल में सोडियम इंक्रीज होगा तो क्या होगा वाटर एक्यूमुलेट यानी कि सेल स्वेल कर जाएगी और कैल्शियम पंप बंद तो कैल्शियम का जो होगा वो एक्यूमोलेशन होगा यहाँ पर कैल्शियम क्या होगा इंक्रीज़ हो जाएगा सेल में कैल्शियम इंक्रीज होगा तो वो बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा जो क्या करेंगे सेल सेल को डैमेज करने लगेंगे डिस्ट्रॉय करने लगेंगे उस तरीके से सेल डिस्ट्रॉय और डैमेज होगी और ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे जो रिवर्सबल और इरिवर्सिबल के चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं वहाँ पर यहाँ पे रिवर्सबल और इरिवर्सिबल में चेंजेस क्या होते हैं उनका अमाउंट और उस जो इंजरी का ड्यूरेशन है और वो जो केमिकल्स के अमाउंट हैं वो वेरी करते हैं ठीक है वो हम लोग आगे देखेंगे ऑक्सीजन एब्सेंस तो ग्लूकोज क्या बनाएगा लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड है एसिड का पीएच कैसा होता है कम होता है तो पीएच सेल के अंदर का क्या होने लगेगा डिक्रीज होने लगेगा पीएच डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा डीएनए डैमेज होगा यानी कि डीएनए क्या करेगा क्लंप कर जाएगा इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं एसिड इंक्रीज हो रहा है इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं एसिडोसिस एसिड इंक्रीज हो रहा है तभी तो पीएच डिक्रीज हो रहा है ये याद रखिएगा ठीक है थीके? तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं एसिडोसिस तो कई जगह सिर्फ एसिडोसिस लिखा होगा तो ये याद रखिएगा एसिडोसेस क्या होती है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है एसिडोसिस लाइसोसोमल एंजाइम जब रिलीज होंगे तब क्या होगा सेल ऑर्गेनल्स को लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और वो क्या करते हैं सुसाइडल बैक कहते हैं इसीलिए क्योंकि ये सबको मारने की पावर रखता है ये सेल को ख़त्म कर सकता है तो इसके एंजाइम रिलीज होंगे तो सेल ऑर्गन डाइजेस्ट हो जाएंगे और सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सेल की डेथ हो जाएगी ये जो हमने पढ़े अभी पहले ये सारी चीज़ें क्या कॉज कर रही हैं मतलब ये एडियोलॉजी एक्सप्लेन की और क्यों कैसे होगा ये मैंने बताया अगर सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट नहीं होगा तो सोडियम इंक्रीज सोडियम इंक्रीज तो वाटर एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा वाटर एक्यूमुलेट होगा तो उसे स्वेल कर जाएगी सेम कैल्शियम के लिए भी है क्योंकि कैल्शियम भी तब कैल्शियम पंप भी तभी ऑपरेट होगा जब एटीपी होगा तो ए अगर नहीं होगा तो कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा सेल में और कैल्शियम क्या करता है बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो क्या करेंगे सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे और डैमेज करेंगे ठीक है यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं सम चेंजेस अ इन रिवर्सिबल सेल इंजरी जो हम देखेंगे वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा रिवर्स और इिवर्सबल में रिवर्सिबल में जो मॉडरेट स्ट्रेस रहेगा लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब वो इ में शिफ्ट होती है सेल रिवर्सिबल तक वो क्या कर सकती है नॉर्म अगर उस स्ट्रेस को या उस स्टिमुलस को हटा दिया जाए तो वो नॉर्मल में रिवर्स कर जाएगी बट अगर उसे नहीं हटाया गया तो वो क्या रिवर्सेबल में चली जाएगी और उस कंडीशन में क्या होगा सेल की सिर्फ डेथ होगी डेथ के दो तरीके होंगे एक नेक्रोसिस एक वो हम लोग देखेंगे डिटेल में बाद में पहले अभी यहाँ देखते हैं हम लोग क्या होगा सेलुलर स्वेलिंग कैसे होगी ये बता दिया हमने यहाँ पर क्या हो रहा है ब्लेब फॉर्मेशन ब्लेब क्या होता है ये देखते हैं यहाँ पर वाटर इंक्रीज हो रहा है सोडियम के एक्यूमुलेशन की वजह से तो क्या हो रहा है सेल स्वेल कर जाए स्वेल कर जाएगी ठीक है वाटर इंक्रीज कैसे हो रहा है ये भी हमने बता दिया जब ये ब्लेब फॉर्मेशन इस तरीके से होता है कि जब सेल स्वेल कर रही होती है तो इस तरीके से ये ब्लेब बनते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं ब्लेब फॉर्मेशन ठीक है बस इतना है ये ब्लिप फॉर्मेशन अगर ये रिवर्सिबल कंडीशन में है तो ये ब्लिप फॉर्मेशन कम होगा बट अगर ये इरिवर्सिबल में चली जाएगी तो ये ब्लिप फॉर्मेशन बढ़ जाएगा ठीक है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग देखने को मिलेगी और राइबोसोम डिटैच होंगे डिटैच किससे होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच होते हैं इसीलिए उन्हें हम कब क्या कहते हैं रफ यार कहते हैं तो वो क्या करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं लेकिन जब ये डिटैच हो जाएंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो सेल में जो भी इम्पोर्टेंट मतलब प्रोटीन सिंथेसिस किस लिए है क्योंकि सेल में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन का बनता है तो वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा तो सेल क्या होने लगेगी डैमेज और ये किसकी वजह से सेल स्वेलिंग की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्वेल करेगा उसके सारे ऑर्गेनल्स भी धीरे धीरे स्वेल करेंगे जिसकी वजह से राइबोसोम डिटैच हो जाएंगे और क्या होगा प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी ठीक है ये नॉर्मल ये नॉर्मल सेल है यहाँ पर क्या हो गया सेल्स फेल हो गई है राइबोसोम डिटैच हो गए हैं अब यहाँ पर देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट माइलिन फिगर्स ठीक है माइलिन फिगर्स क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है फॉस्फोलिपिड की ये हमने डिस्कस किया तो जब कैल्शियम इंक्रीज होता है सेल के अंदर यानी कि कैल्शियम पंप जब प्रॉपर uh, फंक्शन नहीं करता है तो क्या होता है कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है और कैल्शियम इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा फॉस्फोलाइपेज इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा ये एंजाइम क्या करता है इस फॉस्फोलिपिड को ब्रेक डाउन कर देता है फॉसफेड और लिपिड में ये जो फॉस्फोलिपिड क्या है ये सेल मेम्ब्रेन बना रहा है यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होने लगी ब्रेक होने लगी तो लिपिड क्या होगा लिपिड कैल्शियम के साथ मिलकर कुछ ये सर्कुलर स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म करता है रिंग लाइक -like. इन्हें क्या कहते हैं हम लोग इन्हें ही कहते हैं माइल एंड फिगर तो ये जो रिवर्सिबल और इ में है इनका नंबर वेरी करता है अगर ये कम है तो अभी किस कंडीशन में है सेल रिवर्स कंडीशन में यानी कि अगर इस स्ट्रेस को हटा दें तो नॉर्मल में जा सकती है बट अगर इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो रहा है मतलब वो किस कंडीशन में जा चुकी है इ कंडीशन में जा चुकी है ठीक है एमॉर्फस डेंसिटी हमें देखने को मिलती है माइड्रोकोंडिया में किस में दोनों कंडीशन में रिवर्सबल इंजरी में भी और इिवर्सबल इंजरी में भी अगर स्मॉल एमॉर्फस एमॉर्फस मतलब जिनका कोई फिक्स शेप साइज़ नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं हम लोग एमॉर्फस तो अगर स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज़ हैं तो इिवर्सबल में नहीं गई है अभी सेल रिवर्सबल कंडीशन में ही है बट अगर लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज़ मिल रही हैं तो वो इिवर्सबल कंडीशन में जा चुकी है एसिडोसिस एसिडोसिस मैंने बताया कि जब एसिड का एकमलेशन बढ़ जाएगा पीएच डिक्रीज हो जाएगा उससे क्या होगा डीएनए डैमेज यानी कि डीएनए की क्लंपिंग होने लगेगी डीएनए से डिस्ट्रॉय हो जाएगा ठीक है यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं जो इरिवर्सिबल में देखने को मिलेंगे ये सारे चेंजेस हमें इ रिवर्सिबल में ही देखने को मिलेंगे बट यहाँ पे क्या डिपेंड करेगा कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस आएंगे और उनका जो नंबर था वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा जैसे कि माइल फिगर जो होंगे वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे इ रिवर्सिबल में एमॉर्फस डेंसिटी कैसी हो जाएंगी लार्ज हो जाएंगी यहाँ पर कुछ स्पेशल न्यूक्लियर चेंज मिलेंगे उन्हें क्या कहते हैं पिकनोसिस कैरियोरेक्सिस और कैरियोलाइसिस कैरियो मतलब क्या होता है न्यूक्लियस होता है ठीक है पिकनोसिस कैरियोरेक्सिस और कैरियोलाइसिस ये देखते हैं हम लोग पिकनोसिस क्या होता है न्यूक्लियर कंडेंसेशन होता है डीएनए क्लंपिंग हो रही है तो क्या होगा न्यूक्लियर कंडेंसेशन होने का और कैरियोरेक्सिस क्या होता है उस वो जो न्यूक्लियर कंडेंस हुआ है वो फ्रेगमेंटेड होने लगेगा यानी कि टूटने लगेगा न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होने लगेगा ये ठीक है और कैरियोलाइसिस किसी भी चीज़ में लाइसिस मतलब उसका ब्रेकडाउन वो पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है डिजोल्व हो रहा है तो डिसोल्यूशन ऑफ़ द न्यूक्लियस यहाँ पर क्या हो रहा है डिसोल्यूशन हो रहा है न्यूक्लियस का न्यूक्लियस डिसोल्व होने लगे और जब न्यूक्लियस किसी चीज़ का ख़त्म होगा या डैमेज होगा तो सेल को कंट्रोल कौन करता है न्यूक्लियस करता है जब न्यूक्लियस डैमेज तो मतलब सेल डैमेज हो गई और ख़त्म लाइसोमल एंजाइम रिलीज़ करेंगे जो सेल ऑर्गेल को खा जाएंगे आराम से सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन हमारी रेपचर हो रही है किसकी वजह से कैल्शियम एकुमलेशन की वजह से और इतना डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा सेल की डेथ हो जाएगी तो ये इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों सेल इंजरी थी उसके सारे इवेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं कैसे क्या होता है तो ये आप को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें शेयर कर दें और हाँ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए बाय बाय